आज का टॉपिक है हमारा टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग। टॉपिक नंबर 7 है। टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग का सिलेबस जो है, आपका जो कोर्स है बहुत छोटा है। 2 दिन की क्लास अगर आप अटेंड करते हो तो 2 दिन की क्लास में आपका ये टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन इसके मिलते हैं। शॉर्ट लेक्चर है, क्या होता है टेल क्वेश्चन, क्या होता है क्वेश्चन टैग। टेल क्वेश्चन बोलें या फिर आप क्वेश्चन टैग बोलें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अलग अलग इसके नाम खाली दिए गए हैं। बोल आप कुछ भी सकते हो, चाहे टेल क्वेश्चन बोल लीजिए, चाहे क्वेश्चन टैग बोल लीजिए। होता क्या है, अगर नाम से हम स्पष्ट करें तो एकदम क्लियर है। टेल माने क्या होता है, पूंछ। टेल माने होता है पूंछ, और क्वेश्चन माने होता है प्रश्न। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस यहां से लिखा जाता है, तो ये सेंटेंस का मुंह हो गया, माउथ है, और पीछे की साइड में यहां पे उसकी टेल यानी उसकी पूंछ लगी हुई होती है। और सेंटेंस की टेल पर, सेंटेंस की पूंछ पर जब हम कोई क्वेश्चन कर देते हैं, और कैसा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं या तो करते हैं ना, और या तो करते हैं है ना, तो ना या है ना कह करके जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं उनको हम टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं। जैसे कह दूं, मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना, तो जब मैंने आपसे कहा है ना, तो ये है ना ही हमारा टेल क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग है। या जैसे कह दिया जाए, कल सुपरमार्केट में तुम ही आइसक्रीम खा रहे थे ना, तो आपकी है ना नहीं बोला, मैंने आपसे बोला ना, तो ना या है ना कह करके जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो 2 तरीके से आते हैं। पहला ये होता है कि उन्होंने क्वेश्चन टैग लगा रखा है, पता नहीं वो सही है कि गलत है, हो सकता है एरर के माध्यम से वो आपको क्वेश्चन दे दें। अगर किसी सेंटेंस में गलत क्वेश्चन टैग लगा है तो वहां पर आप उसे एरर स्पॉट करोगे कि यहां पर इस पार्ट में गड़बड़ी है, टेल क्वेश्चन यहां पे ये लगना चाहिए था, इन्होंने टेल क्वेश्चन ये ना लगा के ये लगा दिया। तो एक तो आपका स्पॉटिंग एरर का ये सेगमेंट अपना कवर करता है, और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट चॉइस आपकी मांगते हैं कि आप बताओ कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, टेल क्वेश्चन की जगह पे डैश दिया हुआ है, डॉट 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 दिया है, और कहते हैं नीचे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से कौन सा क्वेश्चन टैग लगाया जाए। एक तो लगा हुआ है, उसमें आपको पता करना है सही क्वेश्चन टैग है कि गलत क्वेश्चन टैग लगा है, और दूसरा क्वेश्चन टैग की जगह खाली कर देंगे और कहेंगे कि इसमें आप क्वेश्चन टैग भरिए। तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या टेल क्वेश्चन आना चाहिए, कैसा टेल क्वेश्चन आना चाहिए, टेल क्वेश्चन जो लगा है वो सही है कि गलत है, इस चीज़ के लिए आज का हमारा टॉपिक टेल क्वेश्चन यहाँ पर शुरू किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग की। मैं टॉपिक का नाम हटा रहा हूँ, जगह थोड़ी सी मिल जाए। तो शुरू करते हैं। टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग का सेंटेंस हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसमें से पहला वाला पार्ट हमारा मेन सेंटेंस कहलाता है। पहला पार्ट क्या कहलाएगा, मेन सेंटेंस कहलाएगा, और बाद वाला जो पार्ट होता है उसी को हम टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब याद रखिएगा, अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, मेन सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टेल क्वेश्चन जो है वो निगेटिव बनेगा। मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो टेल क्वेश्चन निगेटिव, और मेन सेंटेंस अगर निगेटिव है तो टेल क्वेश्चन जो है वो आपका
पॉजिटिव बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, यानी मेन सेंटेंस से बिल्कुल उल्टा बनाना होता है। अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव तो टेल क्वेश्चन निगेटिव, मेन सेंटेंस निगेटिव तो टेल क्वेश्चन पॉजिटिव। पहली बात क्लियर हो गई? तो आप अपने सेंटेंस में मेन सेंटेंस को देखोगे उन्होंने कैसा दिया है। अगर उन्होंने अफर्मेटिव दिया है, सिंपल दिया है, यानी पॉजिटिव दिया है, तो आप टेल क्वेश्चन कौन वाला ऑप्शन चूज करोगे जो किस में दिए गए हों? निगेटिव में। और अगर मेन सेंटेंस उन्होंने खुद निगेटिव में दे रखा है तो टेल क्वेश्चन आप देखोगे कौन वाला जो पॉजिटिव में आंसर दिया हो, निगेटिव वाले में नहीं लेना। आगे की बात देखते हैं, अगर टेल क्वेश्चन को निगेटिव में बनाना है, टेल क्वेश्चन को काय में बनाना है? निगेटिव में। निगेटिव में कब बनाओगे? जब मेन सेंटेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तभी निगेटिव बनाओगे। तो अगर टेल क्वेश्चन निगेटिव बनाना है तो आप जानते हो कि निगेटिव बनाना मतलब नॉट लगाना, और नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आता। आप खाली नॉट नहीं बोलोगे, जब भी बोलोगे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, जो भी आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब के साथ बोलोगे, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को उसके फुल फॉर्म में ना रखकर शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं। कैसे रखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं। कभी भी टेल क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब निगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को जोड़ करके जब आप निगेटिव बनाते हो तो वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, फुल फॉर्म कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, बात क्लियर हो गई? दो बातें क्लियर, पहला मेन सेंटेंस पॉजिटिव तो टेल क्वेश्चन निगेटिव, मेन सेंटेंस निगेटिव तो टेल क्वेश्चन पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हुआ कि अगर टेल क्वेश्चन निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को उसके फुल फॉर्म में ना रख करके शॉर्ट फॉर्म में रखना है। शॉर्ट फॉर्म कैसे? शॉर्ट फॉर्म देखिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ देखिए आपका है फुल फॉर्म, ये है शॉर्ट फॉर्म। अब फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाया जाए देखिए मैं बता देता हूं। जैसे सपोज आप कहते हो कि हमको इसको डू नॉट से बनाना है, अगर मन में आया तो डू नॉट नहीं, आप क्या करो? डोंट करो। अगर डज नॉट से बनाना है तो डज नॉट नहीं, डजंट करो। बहुत सरल तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, जैसे आपने हैज और नॉट लिया, अलग अलग हैं, इनको एक साथ आप लिख दो, और एक साथ जब लिखोगे तो ओ को खाली कॉमा बना देना। देखो एच ए एस एन ओ बन गया कॉमा, ऊपर एपोस्ट्रोफी वाला, और टी, पूरी स्पेलिंग वही है। हैव नॉट को करना है तो हैव प्लस नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में जोड़ दो पहले दोनों को, एच ए वी ई एन ओ बन गया कॉमा ही हैव, ऐसे सारे बन सकते हैं। हैड नॉट का ले लीजिए तो हैड नॉट में एच ए डी एन ओ बन गया कॉमा हैड एन, या आपने डिड नॉट का लिया तो डिड और नॉट को जोड़ेंगे तो डी आई डी एन ओ बन गया एपोस्ट्रोफी टी, और उसके बाद आपको अगर लेना है कैन नॉट तो कैन नॉट के लिए सी ए एन एपोस्ट्रोफी टी, कुड नॉट के लिए आप कहोगे गुड, विल नॉट के लिए, लेकिन एक ध्यान रखिएगा ऐसे ही सारे होंगे, तीन से आपको सावधान रहना। शॉर्ट फॉर्म बनाने का जो मैंने आपको अभी तरीका बताया कि दोनों हेल्पिंग वर्ब और नॉट को दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के लिख लीजिए, और नॉट का जो ओ होगा उस ओ को कॉमा बना देंगे, लेकिन ये नियम तीन चीजों से सावधान होकर के अप्लाई करना है। तीन चीजें ऐसी हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आती। कौन कौन सी हैं? देखिए वो डेंजर का सिंबल मैं बनाए दे रहा हूँ। एक होता है आपका एम नॉट, खतरनाक है, डेंजर का सिंबल बन गया। एक होता है सेल नॉट, ये देखिए ये भी 4,440 गोल्ड,
सावधान, और एक विल नॉट, ये तीन से सावधान रहिएगा, बाकी वैसे ही बनेंगे। जैसे इज नॉट बनाना है तो आप ऐसे ही कर दो, इज नॉट तो क्या करोगे, इज जेंट। आर नॉट को बनाना है तो आर नॉट को किया आरेंट, ठीक है। लेकिन ये तीन से सावधान रहिएगा, कौन कौन तीन से सावधान रहने की जरूरत है, एम नॉट, दूसरा शैल नॉट, तीसरा विल नॉट। अब इसको ऐसे ना कर देना कि डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, हैज नॉट, हैजंट, हैव नॉट, हैवंट, हैड नॉट, हैडंट, डिड नॉट, डिडंट, और कैन नॉट, कैन या कुड नॉट का कुंट, और एम नॉट को कह दो एमेंट होता है, या कह दो शैल नॉट का साइलेंट होता है, या विल नॉट का विलंट होता है, ऐसा नहीं होता। फिर एम नॉट का याद रखना, टेल क्वेश्चन के दौरान एमेंट नहीं होता, बल्कि इसके बदले में आरंट होता है, आरंट होता है। आपको जो है एम नॉट ना लगा के आरंट, टेल क्वेश्चन के दौरान एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट होता है, बाकी आपका एमेंट आप करते रहते हो। अब शैल नॉट का साइलेंट यानी शांत होगा, एस एच ए एन एपोस्ट्रॉफी टी, और विल नॉट का वॉन्ट होता है, विलंट नहीं कर दोगे। तो इस प्रकार से जितने भी हेल्पिंग वर्ब और उसका नॉट जो आएगा वो फुल फॉर्म में ना रख करके कैसा रखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में कितने से हमको सावधान रहने की जरूरत है, तीन। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म बोलो आरंट, शैल नॉट का शैंट, विल नॉट का वॉन्ट होता है टेल क्वेश्चन के दौरान, शॉर्ट फॉर्म ऐसा, ठीक है। तो अगर ये तीन बातें आपको क्लियर हो गई हैं अब तक, पहला क्या कहा, टेल क्वेश्चन का सेंटेंस हमेशा दो पार्ट में बटा हुआ होता है, पहला वाला पार्ट आपका मेन सेंटेंस, बाद वाला टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग। मेन सेंटेंस पॉजिटिव तो टेल क्वेश्चन निगेटिव, मेन सेंटेंस निगेटिव तो टेल क्वेश्चन पॉजिटिव होता है। फिर कहा गया कि अगर टेल क्वेश्चन को निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को उसके फुल फॉर्म में ना रख करके शॉर्ट फॉर्म में रखना पड़ता है, और शॉर्ट फॉर्म में तीन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। वो तीन चीज़ें आपकी हैं, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट, शैल नॉट का शैन, विल नॉट का वॉन्ट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे सारे क्वेश्चन के जवाब पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कहा गया टेल क्वेश्चन को अगर निगेटिव बनाना है, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब एम के साथ नॉट लगेगा तभी आरंट होगा, अगर आप पॉजिटिव बना रहे हो एम को तो नॉट नहीं लगाओगे, तो एम का एम ही होगा। निगेटिव के दौरान ही आपका एमेंट ना करके आरंट करना है, अगर अफर्मेटिव बना रहे हो, पॉजिटिव बना रहे हो, तो एम को आर में नहीं बदल दोगे, ठीक है। केवल निगेटिव बनाते समय ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि जिस सब्जेक्ट से टेल क्वेश्चन की शुरुआत होगी, जिस सब्जेक्ट से टेल क्वेश्चन की शुरुआत होगी उसी सब्जेक्ट से टेल क्वेश्चन का अंत भी होगा। आपका जो टेल क्वेश्चन का समापन है वो कहाँ से होगा, उसी सब्जेक्ट से करिए जिस सब्जेक्ट से आपने टेल क्वेश्चन को शुरू किया। इधर अगर आई से शुरू है तो आई पे ही खत्म होगा, यू से शुरू है तो यू पर ही खत्म होगा, ही से शुरू है तो ही पर ही खत्म होगा, है आपका दे पे शुरू है तो दे पे ही खत्म होगा, वी से शुरू है तो वी से ही खत्म होगा। तो टेल क्वेश्चन में जो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही टेल क्वेश्चन का भी अंत में रखा जाने वाला भी सब्जेक्ट वही होगा। क्लियर हो गई बात, आगे की बात देखते हैं। मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट और टेल क्वेश्चन के अंत में आने वाला सब्जेक्ट सेम। फिर मेन सेंटेंस का टेंस और टेल क्वेश्चन का टेंस दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। मेन सेंटेंस का टेंस मान लेते हैं, हमने पूछा टेंस पहचानना, तो आपको पता है बेसिक फंडामेंटल रूल,
में आपने टेंस पहचाना था। किसी भी सेंटेंस के टेंस को दो तरीके से पहचाना जा सकता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब के द्वारा और दूसरा वर्ब की फॉर्म के द्वारा। हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो आप देख करके बता सकते हो ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ की है, कौन से टेंस की है, जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस का सेंटेंस। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो दो टेंस में गेस करना है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो कितने टेंस में गेस करना है, दो टेंस में। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है या तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसके अलावा कोई तीसरा टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, SEIS लगी हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड फॉर्म लगी हो तो पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट फॉर्म लगी है कौन सा टेंस, SEIS फॉर्म है कौन सा टेंस, और सेकंड अगर फॉर्म है तो। चलिए मैं बिना हेल्पिंग वर्ब के आपको सेंटेंस देता हूँ, टेंस पहचानिए। मैंने कहा गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कहा गो, और मैंने कहा वेंट। मैंने कहा ओपेंस, ओपन, ओपेंड, टीच, टीचेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और टॉट। तो हेल्पिंग वर्ब से भी टेंस पहचान सकते हो, वर्ब की फॉर्म से भी, जैसी जरूरत है। तो जिस सब्जेक्ट से मेन सेंटेंस की शुरुआत होगी उसी सब्जेक्ट से टेल क्वेश्चन का अंत होगा, और मेन सेंटेंस का टेंस और टेल क्वेश्चन का जो टेंस होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हो रही है बात, कोई डाउट तो नहीं है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन अगर पनप रहा हो तो आप पूछ सकते हो। अगली बात देखते हैं, टेल क्वेश्चन के अंत में आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, टेल क्वेश्चन के अंत में आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, होगा तो वही जो मेन सेंटेंस के प्रारंभ में आया था, लेकिन ध्यान रहे कि टेल क्वेश्चन के अंत में आने वाला सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई प्रोनाउन रूप में होना चाहिए। नाउन के रूप में कभी भी टेल क्वेश्चन में सब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। टेल क्वेश्चन के अंत में लगाना वही है, जैसे आई आया तो आई लगाइए, ही आया तो ही लगाइए, दे आया तो दे लगाइए, इट आया तो इट लगाइए, बी आया तो बी लगाइए, लेकिन राम आया तो राम आया तो राम ना लगाइए, राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही लगाइए। अगर गीता आया है तो गीता को यहाँ पे गीता नहीं लिखोगे, यहाँ पे शी लिखोगे। अगर यहाँ पर जो है बॉल आया है, बॉल, तो बॉल अगर आया है तो बॉल को बॉल नहीं लिखोगे, बॉल को इट लिखोगे। स्टूडेंट्स लिखा है तो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं लिखोगे, दे लिखोगे, प्लूरल हो गया। पीपल आया है तो पीपल को पीपल नहीं लिखोगे, दे लिखोगे। तो टेल क्वेश्चन के अंत में आने वाला जो सब्जेक्ट है वो किसी न किसी प्रोनाउन के रूप में होना चाहिए, और कौन से रूप में नहीं होना चाहिए, नाउन के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो पार्ट में लेक्चर होता है, एक पार्ट आपका इतना पहले समझ लें, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं और इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अगर इनमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका हम नेक्स्ट जो सीरीज है, जो नेक्स्ट पार्ट है, थोड़ा और लेवल को हाई करते हुए देखेंगे, तब वहाँ पर कैसे सॉल्व करना उस पर बात करते हैं। आइए एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं, कितनी बातें हमने सीखी हैं। पहला, सबसे पहला, इसे हटा देता हूं, आप लोगों से पूछता हूं, शुरुआत से देखें और मन में दोहराएं क्या होना चाहिए। मैंने कहा टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग का सेंटेंस, पॉइंट नंबर वन, क्या टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग का सेंटेंस हमेशा दो पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसमें पहला वाला पार्ट जो है वो मेन सेंटेंस कहलाता है और बाद वाला ही पार्ट जहां प्रश्न किया जाता है ना, है ना, कह करके, वो पार्ट आपका टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग कहलाता है। फिर पॉइंट नंबर टू क्या था, मेन सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है, अफर्मेटिव में है, तो टेल क्वेश्चन निगेटिव बनेगा, और मेन सेंटेंस अगर निगेटिव में है तो टेल क्वेश्चन पॉजिटिव में बनेगा। फिर अगला पॉइंट क्या था,
अगर टेल क्वेश्चन को निगेटिव में बनाना है, अगर टेल क्वेश्चन को निगेटिव में बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को उसके फुल फॉर्म में ना रख करके उसके शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में रखते समय तीन हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट से सावधान रहना है, वो है एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म कभी भी एमेंट नहीं रखना। क्या रखना? शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म आप शैलेंट नहीं रखना। क्या रखना? शैल। और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म विलंट नहीं रखना। क्या रखना? वॉन्ट रखना। तो मेन सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तभी आप निगेटिव बनाओगे, और नॉट अगर लगाना है तो उसको फुल फॉर्म में ना रखकर शॉर्ट फॉर्म में। फिर क्या कहा गया कि टेल क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट शुरुआत में आएगा, जो सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा उसी सब्जेक्ट से टेल क्वेश्चन का अंत होगा, यानी दोनों कोनों पर हमारे सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाला सब्जेक्ट नाउन में नहीं बल्कि प्रोनाउन में होना चाहिए, ठीक है। और फिर कहा गया कि मेन सेंटेंस का टेंस और टेल क्वेश्चन का टेंस दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इधर तुम जो है पास्ट परफेक्ट बना रहे हो, इधर पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस उसने आपको दिया है, आप इधर पास्ट परफेक्ट बना रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हो ना, जो टेंस इधर होगा वही टेंस इधर होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? तो अब हम इसकी पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस के बाद फिर हम आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके बताते हैं। तो अब हमारे इन रूल को जानने के बाद अब टाइम होता है कि हम कुछ प्रैक्टिस कर लें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ सामने मैं सेंटेंस लेकर के आया हूँ, इन्हीं पर हम थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे कि जो हमने रूल देखे हैं इनको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको ये चेक कर लेना है कि मेन सेंटेंस किस में है और टेल क्वेश्चन किस में बनाया जाना है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा मेन सेंटेंस किस में, तो आप बताना भी टेल क्वेश्चन किस में है वो बताना। ज़्यादातर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी, बात को सुनिएगा, ज़्यादातर सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी तो टेंस आपको पहचानने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, उसी हेल्पिंग वर्ब से बना देना। और अगर हेल्पिंग वर्ब ना दी रहे तो इमरजेंसी हेल्पिंग वर्ब ये होती हैं डू डज डिड, ये हमारी आपातकालीन इमरजेंसी हेल्पिंग वर्ब है डू डज डिड। अब अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी तो इन्हीं में से लगानी है, कोई चौथी हेल्पिंग वर्ब मत ले आइएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है और आपको निगेटिव बनाना है, नॉट लगाना है, या टेल क्वेश्चन बनाना है, अफर्मेटिव ही बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब तो लानी पड़ेगी ना। और हेल्पिंग वर्ब इमरजेंसी कौन कौन सी होती हैं? डू, डज, डिड। कैसे जानोगे डू चाहिए, डज चाहिए, डिड चाहिए? आप वर्ब की फॉर्म देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो डू सेलेक्ट करना, वर्ब में एस या एस लगा हो तो डज सेलेक्ट करना, और अगर सेकंड फॉर्म लगा हो तो डिड सेलेक्ट करना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर ना हो तो डू डज डिड से ही लानी है और कुछ नहीं। चलिए पूछता हूँ आपसे कुछ चीजें, आप बताना। सेंटेंस सामने देखिए, कह रहे ही हैज टोल्ड मी अ थिंग, उसने मुझे एक बात बताई है ना। अब है ना हमको लगाना है। अब ही हैज टोल्ड मी ए मेन सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, प्लस बना देता। टेल क्वेश्चन कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा, उल्टा बनेगा ना टेल क्वेश्चन। टेल क्वेश्चन को उल्टा बनाइएगा निगेटिव। अब जरा ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव बनाना, ये क्लियर हो गया है। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी है कि इमरजेंसी लेके आए है, क्या लगी है हेल्पिंग वर्ब? हैज। तो इसी का निगेटिव बनाना है, तो हैज का निगेटिव बनाओगे तो क्या होगा? हैजंट, एच ए एस शॉर्ट फॉर्म में हैजंट, और जहां से शुरू हुआ है उसी सब्जेक्ट से अंत कर दीजिए, क्या बन गया टेल क्वेश्चन? हैजंट ही। क्लियर हो गया? फिर जरा देखिए मेन सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव?
ये निगेटिव में है, तो टेल क्वेश्चन कैसा बनेगा? बस आप नॉट ना लगाना, बाकी हेल्पिंग वर्ड तो लानी पड़ेगी। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ड तो लाना ही पड़ेगा। अब बताओ हेल्पिंग वर्ड दी है या इमरजेंसी लाएं? बोलो भाई, दी हुई है। दी हुई है तो आप क्या देख रहे हो? हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है? डिड का पॉजिटिव रखो, क्या बना? डिड। निगेटिव बनाना होता तो क्या बनता? डिडंट। और पॉजिटिव बनाना डिड, जहां से शुरू वहीं से खत्म, क्या बन गया? डिड आई। है ना कि इंग्लिश क्या बन गई? डिड आई। फिर कह रहे हैं दे आर इन दैट रूम, वे लोग उस कमरे में है ना। ये आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो टेल क्वेश्चन कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दी है या इमरजेंसी हेल्पिंग वर्ब लाई जाए? दी हुई है। क्या दिख रही है? आर। आर का पॉजिटिव बनाना है कि निगेटिव? तो आर का निगेटिव क्या बनेगा? आरंट बनेगा। और जहां से शुरू है वहीं से खत्म कर दो, दे आरंट दे। अब की नाउन आया, मेन सेंटेंस कैसा है? बोलो भाई, कांट लिखा हुआ है निगेटिव, तो टेल क्वेश्चन कैसा आएगा? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दी है कि नहीं दी है? नहीं दी है, दी है। कहाँ है? कैन। कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, दी है ना। चाइल्ड शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, देयर, ऑट, ये सब क्या है? हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दी है, इसका पॉजिटिव बनाना है। कांट का पॉजिटिव बनाओ कैन, और जहां से शुरू है वहीं से खत्म करो। रवि से शुरू है, नाउन है, तो रवि को रवि ना लिखना। ये देखो मैंने रवि लिख के काट दिया, क्या लिखो? ही लिखो। तो बन गया कैन ही। समझ में आ रही बात? कोई समस्या नहीं। फिर जरा देखिएगा किरण नोज यू। अब यहाँ पे किरण नोज यू सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है। ठीक है, तो टेल क्वेश्चन कैसा बनाएंगे हम? टेल क्वेश्चन हम बनाएंगे निगेटिव बनाएंगे। ठीक है, निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव बनाना है, बताइए हेल्पिंग वर्ब इसमें दिख रही है किसी को? नहीं। क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपके सामने मौजूद है? नहीं। तो अब हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो क्या करें? हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एक काम करते हैं, इमरजेंसी हेल्पिंग वर्ब को बुलाते हैं। तो इमरजेंसी हेल्पिंग वर्ब में आपने जो है कॉल करके बुलाया, ऑर्डर किया, तो तीन हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आई? टू डज डेट। अब आपको चाहिए एक ही, तो वर्ब देखो खाली, बस नो लिखा है, नोज लिखा है या न्यू लिखा है? तो ऐसी आई यस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या? डज। डज का निगेटिव वाला हूँ डजंट, और जहां से शुरू हुआ किरण का प्रोनाउन क्या बनेगा? शी। डजंट शी हो जाएगा। ठीक है ना। फिर मेन सेंटेंस देखिए किसमें दिया हुआ है, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव दिया है। टेल क्वेश्चन कैसा बनाओगे? निगेटिव बनेगा। अब बताइए आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव जो दिया हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इमरजेंसी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन? डू, डज, डिड। अब यहाँ टीच लिखा है, क्या लेके आओगे? डू। डू का निगेटिव बनाओ डोंट, और आई से शुरू है तो आई पे खत्म कर दीजिए। ठीक है। फिर कह रहे हैं विभा रोट दिस लेटर, मेन सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो टेल क्वेश्चन कैसा बनाओगे? निगेटिव। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है कि नहीं दी है? नहीं दी है। नहीं दी है तो राइट रोट रिटर्न में कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे? डिड लाओगे। डिड का निगेटिव बताओ? डिडंट या डिडंट। और जहां से शुरू किया विभा का प्रोनाउन क्या यूज होगा? और पीपुल वांट, इसमें भी वैसे ही बताओ मेन सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। टेल क्वेश्चन कैसा बनाओगे? निगेटिव। हेल्पिंग वर्ब दी है कि नहीं? वांट, वांटेड, वांटेड, वांटिंग हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है तो बताइए यहाँ पे इमरजेंसी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आएगी? डू, डज, डिड। अब यहाँ पे डू डज डिड में वांट लिखा है, वांट्स लिखा है, वांटेड लिखा है। फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लाओगे? डू। डू का निगेटिव बनाओ डोंट, और पीपल का, पीपल का प्रोनाउन पीपल नहीं होगा, दे हो जाएगा। कुछ इधर देखेंगे दो सेंटेंस, और मेन सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव।
पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, टेल क्वेश्चन कैसा बनेगा? निगेटिव। हेल्पिंग वर्ब दिख रही कि नहीं? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। जिसको नहीं दिख रही है वो मोहन सिंह नेत्र चिकित्सालय जाए और डॉक्टर भाटिया से मिल करके आए। जिसको नहीं दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही? अरे इतनी बड़ी बड़ी एम ए वाई में जो दिख रहा है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं तो और क्या है? ठीक है, अभी अभी मैंने बोला एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। प्राइमरी में आपकी कौन कौन सी है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है डू, डज, डिड, is, am, are, was, were, has, have, had, has been, have been, had been। बाकी जितनी भी हैं जैसे shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, there, ought, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब में नहीं नजर आ रही है, तो अगर ये आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब दी है तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसका निगेटिव बनाओ, मे का निगेटिव M A Y N O बन गया कॉमा, मेंट और प्लेयर्स का प्रोनाउन दे, प्लेयर्स का प्रोनाउन दे, तो बन गया द प्लेयर्स मे विन, मेंट्स दे। अब यहाँ पे देखिएगा, अमित सर डिड नॉट टीच टुडे, मेन सेंटेंस कैसा नजर आ रहा है? निगेटिव नजर आ रहा है, ये निगेटिव में है। तो टेल क्वेश्चन कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो हेल्पिंग वर्ब है कि इमरजेंसी लाए है, क्या है? डिड का पॉजिटिव, डिड का पॉजिटिव, डिडंट कौन बोल रहा भैया? डिड का पॉजिटिव अफर्मेटिव क्या बनेगा? डिड ही रहेगा। और जहां से शुरू अमित सर का प्रोनाउन क्या आएगा? ही। लेकिन एक 11 नंबर पे वही खतरनाक वाला देख लीजिए, कह रहे आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना। अब जरा देखिएगा यहाँ डिड ही को थोड़ा ऊपर लिख दिया जाए। हाँ, आई एम योर फ्रेंड मेन सेंटेंस कैसा है? टेल क्वेश्चन कैसा बनाओगे? निगेटिव। निगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब लाना है, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? एम, एम का निगेटिव बनाओगे तो लोग कहो लिख दे एमेंट, लेकिन आप ना लिखना, आप क्या लिखना? आरएन। और जहां से शुरू है वहीं से खत्म करो आई। लेकिन अगर ये निगेटिव होता जैसे आई एम नॉट, आई एम नॉट योर फ्रेंड, अब आई एम नॉट योर फ्रेंड में अब मेन सेंटेंस कैसा है? निगेटिव। तो टेल क्वेश्चन कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब दी है कि नहीं? दी हुई है। तो एम का पॉजिटिव बनाओगे तो एम ही रहेगा, अब आर नहीं हो जाएगा, और आई से शुरू किया तो आई पे खत्म होगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर था टेल क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग पर। क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, इनको मैंने आपने मिल करके सॉल्व किया है, और क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। जो समस्याएं होंगी आप हमें बताएं, हम आपकी और हेल्प करने में और मदद करने की कोशिश करेंगे। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अगले वीडियो तक फिर इंतज़ार करें, जल्दी शीघ्र एक इसका अगला पार्ट आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।